परसेंटेज परसेंटेज की पार्ट थ्री, चूंकि इसके पहले मैंने परसेंटेज का पार्ट वन और पार्ट टू मैंने बता चुका हूँ, अब इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट थ्री। तो पार्ट थ्री यानी इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दो तीन कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चन में यानी एक्सरसाइज भी कराऊंगा अभी, और इसमें यानी कि इसका यूज आपको यानी कि लाभ प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं हमको ये कुछ सवाल ऐसे भी मिल जाएंगे जो सिंपल इंटरेस्ट में भी हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा जो इससे रिलेटेड रहेगा। देखते स्टार्ट करते हैं, यानी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करेंगे। जब दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाए, मतलब ये है कि जैसे अगर ये कोई आयत है कि नहीं है, अगर ये कोई आयत रहा होगा यानी इसकी ये वाली बीमा भी हम क्या कर दें, बढ़ा दें, और ये वाली भी बीमा हम क्या कर दें, बढ़ा दें, तो ऐसे में इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो ये इतना क्षेत्रफल था इसका, अब इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, यानी इतना एरिया घेरा कि नहीं घेरा, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ये बीमा ए और इसकी बीमा बी। तो इसके लिए हमारे फॉर्मूला आएगा, तो जाहिर सी इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा ना, तो करेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर यानी ए प्लस बी ए बी अपान 100, ये इसके लिए आएगा। अभी देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इससे रिलेटेड में क्वेश्चन एक्सरसाइज कराऊंगा, आप कैसे फटाफट कर सकते हैं। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब दोनों बीमाओं में क्या की जाए, कमी की जाए। दोनों बीमाओं मतलब ये है कि जैसे ये कोई आयत रहा होगा, इसकी ये वाली बीमा भी क्या कर दी जाए, ये वाली बीमा क्या कर दी, छोटी कर दिया है, मान लो ये कार्ड की इतनी छोटी कर दी गई, और ये वाली भी बीमा करके छोटी कर दी गई, तो ऐसे में इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, पहले इतना सारा क्षेत्रफल था, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, घट गया, अर्थात इसमें कमी होगी कि नहीं होगी, हर हाल में क्या होगी, इसमें कमी होगी। तो लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर ए प्लस बी, अगर इस बीमा का नाम ए रहा होगा, इसका बी रहा होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी अपान 100, ये हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक बीमा में हम क्या कर दें, बढ़ा दें, और एक बीमा की लंबाई क्या कर दें, घटा दें। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये आयत है, इसकी एक बीमा हम क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, और इसकी एक बीमा ये वाली छोटी कर देगी, नहीं छोड़ दे, ऐसे में इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमसे यही पूछा है इन्होंने। हो सकता है इसका क्षेत्रफल इसमें घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, हो सकता है हम इसको आगे तक भी तो बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते, तो कह सकते इसका क्षेत्रफल घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, ये हमको उससे पता चलेगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आंसर हमारा क्या हो, माइनस में हो, यानी उस क्षेत्रफल में क्या हो रही है, कमी हो रही। अगर क्षेत्रफल हमारा क्या हो, पॉजिटिव में मिले, यानी कि पॉजिटिव में मिले, तो हम कह सकेंगे क्षेत्रफल में क्या हो रही, वृद्धि हो रही। माइनस में करेंगे तो हमारा क्या होगा, कमी शो हो रही कि नहीं हो रही है, ये चीज सॉल्व करने पे इसके लिए आएगा फॉर्मूले, इसमें घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर करते क्या, ए प्लस ए माइनस बी माइनस ए बी अपान 100। ये थे इसके तीन कॉन्सेप्ट, और इस तीन कॉन्सेप्ट पे हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज है, 8-10 सवाल है, हम उसे कैसे फटाफट कर सकते हैं, तो देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब यानी क्या, क्षेत्रफल यानी आयत है, उसकी दोनों बीमाओं में वृद्धि कर दें, तो इसका फॉर्मूला कौन सा था हमारा, ए प्लस बी ए प्लस ए बी अपान 100 है कि नहीं, जब दोनों बीमाओं में क्या की जाए, वृद्धि की जाए, तो ये लगा लेंगे हम। मतलब क्या है, ए का काम ये कर रहा और बी का काम ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमारा उस पर लग जाएगा, या लिख भी दे रहे हैं हम इसका फॉर्मूले, यानी कि प्रतिशत वृद्धि बराबर ए प्लस बी ए बी अपान 100। यही तो मैंने ऊपर बनाना, जब बताया कि जब दो आयत की दोनों बीमाओं में क्या हो, वृद्धि हो, तो इसी पे लगाते हैं, तो जाहिर सी बात इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी नहीं, प्रतिशत वृद्धि बराबर 40 प्लस, और इसके बाद कितना है, 10 प्लस 40, यानी कि ए बी ना, ए 10 और बट्टा 100, ये 00 से 00 कट गया, इसका ऊपर बचा कितना हमारा, 4 बचा, और इसको जोड़ेंगे कितना, 40 50 हो गया, 50 में 4 जोड़ेंगे कितना देगा हमको, ये 54 देगा कि नहीं देगा, अर्थात इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि आ गई, 54% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ये सी वाला देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है, सही है।
कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी क्या करता है, 10% का लाभ होता है, तो उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर उसके हिसाब से देखा जाए आयत, जब वहां पे क्या था, आयत की दोनों विमाओं में वृद्धि हो रही है और यहाँ भी ये व्यापार के क्षेत्र में, यानी कि क्या, इसको भी तो दोनों बीमाओं में मतलब दोनों तरफ से फायदा हो रहा है कि नहीं, यानी दोनों में भी लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे बीमा में दोनों बीमाएं बढ़ रही थी वैसे जो दोनों में बेच रहा, खरीदते समय भी 10% का लाभ लिया और बेचते समय भी 10% का लाभ लिया, है कि नहीं, उससे रिलेटेड यहाँ पे वो हमारा मैच कर जाएगा। इसमें हमेशा क्या होगा, इसको लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या करेंगे हम, 10 + 10 + AB = 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा क्या एक बचा कि नहीं बचा, ये पूरा भाग देंगे 100 से 100 में, तो कितने परसेंट का लाभ हो गया इसको, 10 10 20, एक कितना हो गया हमारा, ये 21% का क्या हो गया इसे लाभ हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं क्या, बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मैंने इसके पहले ऊपर बताया था पीछे, जब एक बीमा में वृद्धि हो और एक बीमा में क्या हो, कमी हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाए और तथा चौड़ाई में भी क्या की जाए, 10% की कमी की जाए, तो मैंने वहां पीछे बताया था कि जब आयत की दोनों बीमाओं में कमी हो तो उसके लिए क्षेत्रफल, मैंने ये सॉरी इसके लिए फॉर्मूला ये बताया था, प्रतिशत कमी बराबर A + B - AB / 100, यही तो पीछे मैंने बताया था कि नहीं बताया था, इसी से लगाते हैं, तो इसमें क्या और प्रतिशत, हर हाल में क्या उसमें प्रतिशत कमी होगी नहीं जब दोनों, तो प्रतिशत कमी बराबर 20 + 10 - 20 × 10 / 100, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, इसको 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 जोड़ेंगे हमको देगा कितना, 30, और 30 में से इसको 2 घटाएंगे कितना देगा हमको, ये 28, यानी इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आ गई, ये तो प्रतिशत कमी है कि नहीं, 28% की क्या गई, कमी आ गई, तो इसको हम कर लें 28 बना ले रहे हैं, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आ गई हमारी, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या करेगा, मैच करेगा। कुछ क्वेश्चन और देखा जाए, इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% की कमी की गई फिर 10% की कमी की गई, तो उस वस्तु की कीमत में कितने परसेंट की कमी आ गई, तो सेम ऊपर की तरह है जो मैंने अभी बताया था, हर हाल में दोनों तरफ से कमी हो रही कि नहीं हो रही, दोनों तरफ से क्या हो रही, इसे कमी हो रही कि नहीं हो रही, ऊपर वाले की तरह से लगाएंगे, पहले 25% कमी बराबर, पहले 25% की कमी, फिर लिखेंगे क्या हमारा, प्लस 10 - 25 × 10 / 100, यहाँ पे जोड़ेंगे 25 यानी 35 देगा, इसमें ये 0 से 0 कैंसिल होगा, इससे भाग देंगे हमारा देगा कितना, यहाँ से ये पूरा सॉल्व करने के बाद, यानी कि 2.5 देगा, 35 में से इसको घटाएंगे हमको देगा कितना, यानी कितना देगा हमारा, 32.5 देगा, 32.5% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन हम देख रहे हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। कुछ क्वेश्चन और देखा जाए, इसमें कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में क्या प्रभाव परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब जैसे मैंने पीछे बताया था कि एक आयत है, इसकी एक लंबाई हम बढ़ा दे रहे हैं और इसकी एक लंबाई क्या कर रहे हैं, कम कर दे, तो इसके क्षेत्रफल में क्या हो रहा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें क्या होता है कि घट भी सकता है इसका क्षेत्रफल और क्या बढ़ भी सकता है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला यही बताया था, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर A - B - AB / 100, यही तो पीछे मैंने बताया था, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हम प्रतिशत कमी क्या लेंगे हम, इसको प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर क्या होगा हमारा, तो 20 - 20 / -20 × 20, ये 00 से 00 इसको कैंसिल हो, ये 20 से 20 कैंसिल हो, तो ये कितना बचा, ये 2 दुना कितना देगा हमारा, 4, अर्थात कितने परसेंट की कमी आ गई,
4% की माइनस है ना, ये माइनस चिन्ह ये शो करेगा कि 4% की क्या आई, कमी आई, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए इससे रिलेटेड। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता और बेचते समय 10% की हानि हो जाती, तो उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम ऊपर की तरह है, यही वाले की तरह है, तो इसमें क्या प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस 10 माइनस 10 गुणे 10/100। 00 से 00 से कैंसिल हुआ है और ये 10 से कैंसिल हुआ, यहां से हमारा बचा कितना, एक बचा कि नहीं बचा, अर्थात उसके व्यापार में क्या परिवर्तन हुआ, 1% की कमी आई, तो हमारा ये सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मान ले ये कोई वृत्त है कि नहीं, अगर इसकी कोई रेडियस रही होगी, अगर इसकी त्रिज्या हम बढ़ा दे रहे हैं, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहले से बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, इसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात वृद्धि। हम देख रहे हैं ये वाली भी बीमा बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, और ये वाली भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ेगी नहीं, अर्थात हर हाल में इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि होगा कि नहीं होगा, तो हम उस पर लगा लेंगे a+b+ab/100 से, ये इससे हमारा क्या होगा, ये लग जाएगा। तो पहले 10% यानी कि 10% की a में भी वृद्धि हुई, और कितना वृद्धि हुई उसमें भी तो 10% की वृद्धि हुई, प्लस 10 × 10 × 10/ ये इससे भाग देंगे 100 से 100 में एक बार जाएगा, 10 × 10 = 20 है, कितना हो गया हमारा 21% की क्या हो गई, ये वृद्धि हो गई। तो कौन सा ऑप्शन, हम देख रहे हैं बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि अब इससे थोड़ा सा लेवल, इसके नेक्स्ट वीडियो मेरा इससे लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा, इससे लेवल थोड़ा हमारा ऊपर रहेगा।